शुभ सकाळ मु शुभ प्रसन्न पाठी समस्त मो प्रणाम। आज आम अध्ययन करवा मौर्य साम्राज्य विषय। मौर्य साम्राज्य भारत इतिहास प्राचीन भारत इतिहास एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय। यह अध्याय टी आम अध्ययन करवा प्रथम अध्ययन करवा समय पूर्व मु मौर्य साम्राज्य जो 13 जन सम्राट थे राजा थे से ना कही रखी। मौर्य साम्राज्य प्रथम राजा हेले चंद्रगुप्त मौर्य, जी कि मौर्य साम्राज्य प्रतिष्ठाता। चंद्रगुप्त मौर्य उत्पत्ति और मौर्य साम्राज्य उत्पत्ति विषय अनेक कहानी आम सहित जड़ित हो रही आम आलोचना करवा। द्वितीय सम्राट हेले बिंदुसार। बिंदुसार जन प्रसिद्ध सम्राट, विषय आलोचना करवा। तृतीय सम्राट हेले अशोका द ग्रेट, महान अशोका, जी कि निजर धर्म और निजर परिवर्तन पे इतिहास रे प्रसिद्ध। चतुर्थ हेले अशोक परवर्ती अधिकारी कुणाल। कुणाल होंगे चतुर्थ राजा। पंचम राजा हेले बंधुपालित। बंधुपालित होंगे चतुर्थ पंचम राजा। षष्ठ राजा हेले इंद्रपालित। सप्तम राजा हेले दासोना। अष्टम राजा हेले दशरथ। नवम राजा हेले संप्रति। दशम राजा हेले सहिष्णुक। एगारतम राजा हेले देववर्मन। बारतम राजा हेले शतधर्मन। तेरतम राजा हेले बृहद्रथ। यहीपरि 13 जन शासक मौर्य साम्राज्य शासन करचंती विषय आम संपूर्ण आलोचना करिबा। एवं मौर्य शासन समय मौर्य माने मगधर शासन करथुले। राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सहर इतिहास प्रसिद्ध। एवं भी पाटलिपुत्र को आम विभिन्न अध्याय अध्ययन कर। पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी कूल अवस्थित। गंगा और सोन दुईट नदी मध्यवर्ती अंचल अवस्थित पाटलिपुत्र। आर लेंथ थिला लंबा थिला 15.2 किलोमीटर एवं वाइड थिला ओसार थिला 8 मीटर बा 8 केम 0.8 केम। बाउंड्री थिला जो पाटलिपुत्र चारिपटे जो प्राचीर निर्माण होता 600 फुट वाइड 600 फुट ओसार प्राचीर निर्माण होता एवं 60 फुट डीप डेक्स 60 फुट से प्राचीर निकट 60 फुट खाल खनन करा। शत्रु इतने सहजे आसपारे से खाल गली पड़ो। 64 गोटी एंट्रांस गेट थिला प्रवेश द्वार 64 गोटी थिला एवं टावर 570 गोटी थिला। टावर अर्थ जो दुर्ग गुड़ उच्च स्थान में रही शत्रु को निरीक्षण करावर गुड़िक। टावर गुड़ा पखापाखी 570। मोर ये वीडियो जदि आपको भविष्य निर्माण में सहायक हम बोली अनुभव करीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ।